जोहार साथियों, एक आप लोग से विशेष अपील है, हमारे सभी साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और मरमाची थाना शायद ले जा रहा है। तो ये जो 3 दिन का 72 घंटे का जो आंदोलन था वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ आज जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में सभी आंदोलन करें और आंदोलन करके हमारी रिहाई का मांग कर सकते हैं। अगर हमारी रिहाई नहीं भी होती है तो इस आंदोलन का कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ये 72 घंटे का आंदोलन है। कल 18 तारीख को मशाल जुलूस और 19 तारीख को जो झारखंड बंद है ये पूरी तरह से आर्थिक नाकेबंदी में बदल जाना चाहिए और इस तरह से बदलना चाहिए कि ये सरकार अपने टेक्निक पर मजबूर कर दे। आखिरी में यही कहेंगे दोस्त कि हम चिपकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम चिपकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जम लिए इस मिट्टी में मिल जाएंगे और अपना हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे, अपना हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता ना कभी गंदारी, पर जनता ना कभी गंदारी। दोस्त, ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो हेमंत सोरेन है वो बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो चुका है। इसे उलझ झुलझ नीति बना रहा है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब हमारे आंखों में पट्टी बांधने का समय नहीं दोस्त। और इसके पहले भी हम कहे थे, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ सकुने का फैला कुटजाल है, मतलब बाहरी लोगों का फैला कुटजाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत, यानी हेमंत सोरेन ने जुए की लत यानी बाहरियों का प्रेम छोड़ा नहीं है। हर पंचायत में पंचाली अपमानित है, हर जगह हमारे महिला जो आई थी, हमारी बेटियां जो लड़कियां आई थी उसके साथ उसके कपड़ों के साथ सिरहरण किया गया, उसके कपड़े छीने गए, फाड़े गए। तो हर पंचायत में पंचाली अपमानित है। कोई राजा बने या रंग, प्रजा का तो रोना है, हमारा रोना है दोस्तों। और आगे यही कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो हमारी तरफ है। अगर कौरव राजा हुए तो छीरहरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार जाएगी। बस वही हाल है। जो रघुवर दास ने जो काम किया था वही हेमंत सोरेन कर रहा है। जिस तरह से रघुवर दास ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया था, आज हेमंत सोरेन ने भी अपना रूल दिखा दिया और महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, उसके कपड़े फाड़े गए। तो दोस्तों, ये आंदोलन कभी धीमा नहीं पड़ना चाहिए। हमें जेल भी हो जाती तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आंदोलन नहीं रुकना चाहिए और हमारा जो मांग है स्थानीय नीति नियोजन नीति को पूरा होना चाहिए। ये हमारा आखिरी मैसेज है। शायद इसके बाद हमारा थाना पहुंचते ही हमारे फोन को जब्त कर दिया जाएगा और पहले से धारा था, पहले से एलिगेशन था, हो सकता है हमें रिहा भी नहीं किया जा सकता, हो सकता है 3 महीना का जेल। धन्यवाद।